Hello and welcome back once again in another session of microeconomics. देखिए हमने कुछ chapters consumer के point of view से discuss किए और कुछ chapters हम producer के point of view से भी discuss कर चुके हैं. आज मैं आपके लिए एक ऐसा important principle, एक ऐसा important concept लेकर आई हूँ जो पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही important रोल प्ले करता है. उस principle का नाम है या उस लॉ का नाम है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल. आज हम जो ये इक्वी मार्जिनल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. देखते हैं कि इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है. अ कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ द परचेजेस मेड बाय हिम. देखो हमने अभी तक इतना ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि एक उपभोक्ता यानी कि एक कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम यानी कि इस बैलेंस की संतुलन की सिचुएशन में होता है जब वो जितनी भी परचेजेस कर रहा है आउट ऑफ दोज परचेजेस वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहा हो. और हमने अभी तक ये कंसेप्ट भी पढ़ा है कि हम सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी की फॉर्म में यूटिल्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं. तो अब हमारे पास जो ये इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल है ये हमें क्या क्या स्टेट कर रहा है या एक तरीके से हमें कुछ एजम्पशंस जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है. लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज लिमिटेड, हमें ये मानने के लिए कहा गया है या हमें ये चीज पता भी है कि एक इंडिविजुअल ने एक कंज्यूमर ने अपने गिवन रिसोर्सेज से ही डिसीजन लेने होते हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं जो अल्टरनेटिव्स या इनकम्स अवेलेबल हैं हमने उन्हीं इनकम के दायरे में रहकर डिसीजन लेना होता है कि हम क्या परचेज करें और क्या ना परचेज करें. बिल्कुल इसी तरीके से आपको आगे फर्दर क्या बताया गया कि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग. हमने ये कंसेप्ट भी ऑलरेडी पहले यूटिलिटीज के कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते चले जाते हैं जैसे जैसे उसकी कंजम्पशन और बढ़ाते चले जाते हैं. अब ये चीज भी याद रखना कि ये जो यूजेज है वो कॉन्टिन्यूस है, मतलब ये नहीं कि आपने आज कंजम्पशन की है आप कल कंजम्पशन करोगे आप परसों कंजम्पशन करोगे या नेक्स्ट डे फिर से कंजम्पशन करोगे. तो बेसिकली मुद्दे की बात यहां पर है कि अगर हम ये मार्जिनल यूटिलिटी के डिमिनिशिंग फैक्ट को अगर यहां पर लागू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि साइमल्टेनियस कॉन्टिन्यूस यूजेज हो रहा है एक ही पर्टिकुलर गिवन टाइम पर, ज्यादा गैप नहीं है टाइम पीरियड्स में. तो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हम आगे आने वाला नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे हमें उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलती जाएगी तो ये डिमिनिश होती जाएगी. एट द सेम टाइम अब देखो अब यहां पर एक इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बताई, एक मार्जिनल यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बताई. अब यहां पर आपको क्या कह रहे हैं कि एट द सेम टाइम उसी वक्त कंज्यूमर ने और क्या डिसीजन लेना होता है या हो क्या रहा होता है जब वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा होता है उसकी इनकम कम होती चली जाती है. देखो जब भी हम परचेज करेंगे तो हम बदले में कुछ तो पेमेंट देंगे ना, अगर पेमेंट देंगे तो हमारी जेब में से हमारी इनकम तो कम होती चली जाएगी तो इनकम जो है वो डिक्रीज होती जाएगी व्हेनेवर हम एक और एक्स्ट्रा यूनिट परचेज करेंगे. सो अ कंज्यूमर हैज टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन लेवल ऑफ इनकम. तो इसलिए एक कंज्यूमर ने क्या करना होता है, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो भी वो खर्चा कर रहा है जो भी वो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो उसे अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंगली ही करना पड़ता है. इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. क्यों? क्योंकि एक कंज्यूमर का यही मेन गोल होता है जब भी वो किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी को कंज्यूम करता है कि ही और शी ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो इसलिए जो ये हमारा इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल है इसको बेसिकली हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करने वाला लॉ भी बोलते हैं. अब देखिए एक बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिस्ट हुए हैं,
H.H. Gossan, जिन्हें हरमन हेनरिच गॉसन के नाम से भी जाना जाता है, ही हैज गिवन वेरियस लॉज. उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ लॉज दिए हैं. मैंने दो लॉ उनके यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिसमें से फर्स्ट जो लॉ है, जिसे गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, वो फर्स्ट लॉ से हम फेमिलियर हैं. जब हमने कंज्यूमर से रिलेटेड कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे, उस वक्त हमने ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है. तो ये पर्टिकुलर लॉ भी प्रोफेसर गॉसन ने ही दिया था. बिल्कुल इसी तरीके से एक और लॉ है जिसे गॉसन्स सेकेंड लॉ कहा जाता है, और वो लॉ कोई और लॉ नहीं है, वो लॉ ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ही है. देखो, मैंने आपको बेसिक सा मीनिंग समझा दिया कि ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में एक्चुअली है क्या. देखो, ये लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया कि ये बेसिकली एक ऐसा लॉ है जिसमें कंज्यूमर अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम को इस तरह से डिफरेंट कॉमोडिटीज को परचेज करने के लिए यूज कर रहा है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर सके. लेकिन अब देखेंगे, ध्यान से और डिटेल में समझते हैं कि इसे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्यों कहा जाता है. तो स्टडी करते हैं के देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट फेजेस में हम ये इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. देखो, ये सबसे पहला कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. ये सिंगल कमोडिटी का केस मैंने एक बार थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम आज इसे और डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये चीज क्या कह रही है. देखो, बेसिकली जब एक कंज्यूमर एक ही कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहा होता है, उस वक्त ये कंडीशंस हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है. कब अटेन करता है? जब MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी इज इक्वल टू दी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी. जब वस्तु के उपभोग से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी के बराबर हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है. मतलब आप जितना खर्च कर रहे हो, आपको बदले में उतना सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन ही है ना. तो इसका मतलब जब हमारा जितना भी पैसा हमारी जेब से निकल रहा है, जब उसके बदले में हमें उतना सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा हो, तो हम कहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं. इसको इस तरह की इक्वेशन में भी डिराइव किया जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है, जहां पर यूनिट के हिसाब से, अगर एक रुपए के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर बन जाती है. मत देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि व्हाट इज दी वर्थ ऑफ अ रूपी, कि अगर मुझे एक रुपया और एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है, तो बदले में मुझे उस पर रूपी के हिसाब से कितना बेनिफिट मिल रहा है. तो अगर ये मुझे टोटल यूटिलिटी के हिसाब से, मतलब मार्जिन पता लग रहा था कि टोटल में इतना चेंज आ रहा है, तो मुझे मार्जिनल इतना चेंज देखने को मिल रहा है, तो अगर मैं 1 रूपी के अकॉर्डिंगली इसे देखना चाहूं, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि मनी की वर्थ मुझे पता चल रही है कि कितनी है. हम इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे स्टडी करें, तो देखो कुछ इस तरह का कंसेप्ट, इस तरह का एक टेबुलर प्रेजेंटेशन हमारे पास उभर के आता है, जिसमें है, मैंने लिया है कि ये यूनिट्स हैं. मान लो आपको 6 यूनिट्स का कम्बिनेशन बता रखा है, जहां पर इस कमोडिटी का, एक्स कमोडिटी का जो प्राइस है वो 5 है. अगर आप एक यूनिट खरीदते हो तो आपको 5 रूपये देने पड़ेंगे. अगर आप दूसरा यूनिट खरीदते हो तो आपको 5 रूपये फिर से प्राइस पे करना पड़ेगा. बिल्कुल इसी तरह से अगर थर्ड यूनिट परचेज करते हो तो फिर से 5 रूपीज देने पड़ेंगे. अगर हम दूसरी साइड पर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, तो देखो जब हम स्टार्टिंग में कॉमोडिटी पहली बार कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, तो हमें ज्यादा यूटिलिटी मिलती है. फिर से वही वो डिमिनिशिंग वाला कंसेप्ट दिमाग में लेकर आओ कि जैसे जैसे और कंजम्पशन करेंगे, मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाएगी. तो ये देखो, ये डिमिनिश हो रही है.
जीरो भी हो रही है और माइनस में भी जा रही है, तो वही वो कंसेप्ट्स मार्जिन वाले इस पर भी लागू हो रहे हैं। और यहां बहुत ही ध्यान से देखिए, जब थर्ड यूनिट परचेज किया जाता है उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी के बराबर है, मतलब ये इक्वेशन, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो उस केस में हमारी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो थर्ड यूनिट पर आ जाता है। तो इस तरह से सिंगल कमोडिटी के केस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज, अब देखो ज्यादातर हमें जो हमारी मार्केट में देखने को मिलता है वो यही केस देखने को मिलता है, क्योंकि हम अगर खुद पर भी लेकर चलें, हम एक कमोडिटी नहीं कंज्यूम करते, हम दो या उससे ज्यादा कमोडिटीज बाय करते हैं। तो इन दिस केस दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब अब आपको यहाँ पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल का एक और नाम पता चल गया कि इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर कंज्यूमर ने चॉइस करनी है, कंज्यूमर ने सब्स्टिट्यूट करना है कि वो ए कमोडिटी खरीदे या बी कमोडिटी खरीदे, वो एक्स खरीदे या वाई खरीदे। क्यों? क्योंकि इस बार सिंगल कमोडिटी नहीं है, इस बार दो या उससे ज्यादा कमोडिटीज हैं। तो इन दिस केस दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एज अ कंज्यूमर हैज टू सब्स्टिट्यूट फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फेक्शन। तो देखो जिस तरह से आपको यहां पर ये इक्वेशन बनाकर बताई गई थी, बिल्कुल वही कंसेप्ट यहां पर है, बस यहां पर दो कमोडिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यहां पर दो कमोडिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर दिया गया है। देखो यहां पर मैंने पर यूनिट के हिसाब से क्यों लिया है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस पर यूनिट प्राइस जो है वो अलग अलग हो, हो सकता है कि हमारे पास जो इनकम लिमिटेड है उसमें से हमने एक्स को भी खरीदना है और वाई को भी खरीदना है, तो हमें क्या पता कि एक्स वाली महंगी है या वाई वाली महंगी है, तो उस हिसाब से हमें हमारी इनकम के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि कितना है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसे हमेशा वन में एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि वो वर्थ ऑफ ए रूपी है, एक रुपए की क्या कीमत है एक रुपए के बदले में। तो इसलिए यहां पर यूनिट के हिसाब से स्टडी किया जाता है एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी को भी और वाई की मार्जिनल यूटिलिटी को भी। इट मींस फ्रॉम द गिवन लेवल ऑफ इनकम और फिक्स्ड इनकम अ कंज्यूमर हैज टू मेक चॉइसेस एंड द पॉइंट वेयर द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड इज हिज इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पर एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको यहां स्टार लगाकर बताया गया है वो ये है, लास्ट रुपी स्पेंट यील्ड्स कस्टमर या कंज्यूमर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ ईच कमोडिटी। मतलब एक कंज्यूमर जो अपना लास्ट पैसा, लास्ट इनकम का लास्ट यूनिट जो खर्च करेगा, उस खर्च के बदले में जो उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो एक्स और वाई या यूं कह लो ईच कमोडिटी के केस में वो बराबर आएगी, इक्वल आएगी। इसीलिए इसे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो जैसे हमने सिंगल कमोडिटी के केस में टेबुलर और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समझी है, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम समझते हैं कि ये टू यूनिट्स या दो से ज्यादा कमोडिटीज के केस में किस तरह से प्रेजेंटेशन हो सकती है। देखिए आपको फिर से सिक्स यूनिट्स बता रखे हैं, आपको इस बार दो कमोडिटीज की मार्जिनल यूटिलिटीज बता रखी हैं, एक एक्स कमोडिटी की और दूसरी वाई कमोडिटी की। अब आपको क्या बता रखा है कि मान लीजिए एक कंज्यूमर के पास जो गिवन लेवल ऑफ इनकम है वो रूपीज 10 है, कि उसने 10 रुपए खर्च करने हैं। एक्स कमोडिटी का जो प्राइस है वो मान लीजिए 1 रूपी पर यूनिट है और वाई कमोडिटी का जो प्राइस है वो सपोज कीजिए कि 2 रूपीज पर यूनिट है। तो अगर आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, आप एक अगर सूझबूझ वाले समझदार कंज्यूमर हो, तो आप किस तरह से अपने इस गिवन 10 रुपीस को खर्च करोगे, इन दोनों कमोडिटीज के बीच में किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाओगे। देखो सबसे पहले तो अगर मैं फर्स्ट यूनिट खरीदूंगी
तो मुझे जिसकी यूटिलिटी मैक्सिमम है मैं वो खरीदूंगी ना, तो 32 और 28 में से मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम मुझे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की मिल रही है, तो इसका मतलब मैं नंबर वन पर किसको खरीदूंगी? एक्स कमोडिटी के एक यूनिट को। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, एक्स कमोडिटी कितने रुपए की है? एक रुपए की है। इसका मतलब जब मैंने यहां पर एक यूनिट एक्स का खरीद लिया तो मेरे पास कितनी रिमेनिंग इनकम बच गई मेरी? 9 रुपीज, 10 में से एक चला गया ना, ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, अब मैं बचे हुए 9 रुपए खर्च करूंगी तो फिर से मैं देखती हूं कि मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी वाई की भी है 28 और एक्स की भी है 28। हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि लास्ट रुपी जो स्पेंट होगा वहां पर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटीज होनी चाहिए। अभी लास्ट रुपी तो स्पेंट हुआ नहीं है, लेकिन यहां पर मार्जिनल यूटिलिटीज इक्वल हैं, तो क्या मुझे इस कॉम्बिनेशन पर रुकना चाहिए? क्या मुझे इसी कॉम्बिनेशन पर स्टॉप कर जाना चाहिए या नहीं? तो देखते हैं इसे चेक कर कि यहां पर रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। देखो अगर मैं एक यहां पर रुकती हूं तो इस पॉइंट पर एक्स के तो दो यूनिट्स हैं, इसका मतलब एक्स के दो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स का रेट कितना है? 1। तो मैंने एक्स पर कितने रुपए खर्च किए? 2। वाई का मैंने एक ही यूनिट खरीदा और वाई कितने का है? 2 रुपीज पर यूनिट। तो वाई का 1 यूनिट 2 रुपीज के हिसाब से कितने पैसे खर्च हुए? 2। तो कितने खर्च हुए हैं अभी तक? सिर्फ 4 रुपीज खर्च हुए हैं और रिमेनिंग कितने हैं अभी भी? 6। इसका मतलब मुझे यहां पर अभी स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी भी गिवन लेवल ऑफ इनकम है जिससे मैं और ज्यादा यूनिट्स खरीद कर अपनी सेटिस्फेक्शन अभी भी और बढ़ा सकती हूँ, ठीक है, अभी भी और बढ़ा सकती हूँ। तो देखो नेक्स्ट यूनिट्स देखो, नेक्स्ट में भी फिर से इक्वी मार्जिनल यूटिलिटीज तो हैं, लेकिन फिर से अगर हम कॉम्बिनेशन चेक करें तो इस बार देखो बहुत ही ध्यान से, आप अगर यहां मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की अगर खरीदते हो, एक्स यूनिट खरीदते हो, तो 3 यूनिट्स पर एक्स कितने का पड़ेगा? 3 रुपए, क्योंकि एक्स के आप 3 यूनिट्स खरीद रहे हो, 1 रुपए का एक यूनिट है, तो इस बार एक्स पर कितने खर्च हुए? 3 रुपए। और वाई हम कितना खरीद रहे हैं? देखो वाई का 24 2 यूनिट पर है, 2 × 2 = 4, तो कितने रुपए खर्च हुए? 7। अभी भी 3 रिमेनिंग है। अब हम इस पर मूव ऑन करेंगे और देखते हैं कि यहां पर हमारा लास्ट पैसा भी खर्च हो जाएगा या नहीं, मतलब हमारी सारी की सारी इनकम खर्च हो जाएगी या नहीं। तो अब यहां पर मैं कैलकुलेट करूं तो एक्स के हैं 4 यूनिट्स और वाई के हैं 3 यूनिट्स। 4 × 1 एक्स का आ गया ₹4, 3 × 2 वाई का कितना आ गया? ₹6। तो देखो यहां पर मेरे 10 रुपीज पूरे के पूरे वसूल हो रहे हैं, मतलब खर्च हो रहे हैं, और लास्ट रुपी जो मैंने स्पेंड किया है वो मुझे दोनों कमोडिटीज के केस में इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव कर दे रहा है। तो इसी प्रिंसिपल को इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल कहा जाता है, क्योंकि इस केस में अगर एक कंज्यूमर को डिफरेंट गुड्स के केस में चॉइसेस करनी होती हैं, तो वो कुछ इस तरह से चॉइसेस करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे देखो अगर मैंने ये कॉम्बिनेशंस बनाकर नहीं भी देखा होता, अगर मैंने एक बार कॉम्बिनेशंस बनाकर नहीं देखा होता, तो देखो जैसे मैंने पहले फर्स्ट यूनिट ये एक्स का कंज्यूम कर लिया, परचेज कर लिया, उसके बाद देखो दोनों की सेम है, तो ये मेरी डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि मैं एक्स का ही सेकंड यूनिट खरीदना चाहती हूं या मैं वाई का खरीदूंगी। सपोज करो अगर मैं एक्स का ही खरीद लेती हूं दूसरा यूनिट, तो देखो जब मैंने नेक्स्ट यूनिट परचेज करना है, जब मैंने अपने नेक्स्ट पैसे खर्च करने हैं, तो यहां तो 24 है जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है एक्स से, लेकिन मुझे वाई से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, 28 मिल रही है,
28 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं नंबर 3 पर इसे परचेज कर लूंगी। मतलब इन दोनों में से पहले किसको कंज्यूम करना है वो कंज्यूमर की मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि लेकिन परचेज वो पहले यही करेगा, ये नहीं करेगा कि वो थर्ड यूनिट पर पहले 24 वाला यूटिलिटी देने वाला एक्स कमोडिटी ही परचेज कर ले फिर उसके बाद वो वाई को परचेज करे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करना है। तो कुछ इस तरह से आपको पता चला कि इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या होता है। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो देखो कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन होगी, इसमें ना दोनों ग्राफ्स इकट्ठे बनेंगे। किस तरह से बने हैं देखो, एक साइड पर तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, जो मैंने एक्स के पॉइंट से उन्हें प्लॉट कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से एक साइड पर मैंने मार्जिनल यूटिलिटी वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, और जो कुछ इस तरह से बन जाएगी, जैसे ग्राफ के प्लस साइड्स और माइनस साइड्स होते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर बना दिया गया है। एक बार तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक्स कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स एक्सिस पर ले लिया, और एक बार मैंने इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने वाई कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया। देखो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं, देखो वहां पर इन चीजों को ध्यान से, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 यूनिट्स बन रहे हैं और वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 यूनिट्स बन रहे हैं। तो देखो हमने भी तो यही बनाया था ना कि एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 यूनिट्स थे और वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 यूनिट्स बन रहे थे। तो कुछ इस तरह से कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल के केस में ये इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, जिसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसे गॉसन्स सेकेंड लॉ भी कहा जाता है, जिसे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ये अप्लाई होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ये इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल काम करता है, वर्क करता है, इसको स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको जरूर समझ में आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।